भर्ती परीक्षा 2018 को जो जनवरी में आरपीएससी द्वारा प्रस्तावित की गई है, इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो लाखों विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो पा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है और जो एमए जो विद्यार्थी है, जो 1.5 लाख से अधिक जिनकी संख्या है, वह इसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को आगे स्थगित किया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि इसके द्वारा इसमें पदों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 10000 की जाए। और हम देख सकते हैं कि राजस्थान में जहां बाहरी कोटा 50% है, उसे घटाकर 5% किया जाए, ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिल सके। और इसके अतिरिक्त आरपीएससी द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें उर्दू का कोई भी पद सर्जित नहीं है। हम यह भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें उर्दू का पद भी सर्जित किया जाए, ताकि सब विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। आज यहाँ पर काफ़ी जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, राजस्थान भर से इसमें ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और जो युवा है वो अपने हक, अपने अधिकार के लिए जाग चुका है। और हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर 3 दिन के अंतर्गत इसमें हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की गई, तो पूरे राजस्थान भर से उग्र आंदोलन होगा। इस आंदोलन को करणी सेना ने भी भरपूर समर्थन दिया है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि हर विद्यार्थी हर शहर से आज हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 4-5 दिन से हम लगातार सुबह से लेकर अंतिम शाम तक कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि पुनः जल्द से जल्द हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि हर बच्चे का अपना फायदा और अधिकार मिल सके। रामावतार धांधा रखा है और फर्स्ट ग्रेड की डेट को आगे बढ़ाइए, और मुख्य मुद्दा ये चाहते हैं कि हम हमारे भी हर जगह, मतलब 50% कोटा है उसको हटाना चाहिए और 5% देना चाहिए सबको भी। आपका नाम बता दो। मेरा नाम पिंकी गोस्वामी।